हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग हमारा मास्टर नोट्स ले रहे हैं, घर बैठे मंगवा रहे हैं, तो मंगवाने के बाद आप लोग पढ़ाई कैसे करें, आइए इसी के बारे में बात करते हैं। हम आपको सभी सब्जेक्ट का मास्टर नोट्स देते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड टेस्ट, साइको टेस्ट, ये सब का। लेकिन आपको इसको पढ़ाई कैसे करनी है, तो इसको पढ़ाई करने का मेरा एक तरीका है। हम क्या करते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, जिस भी टॉपिक को पढ़ना होता है, हम उस पर सबसे पहले फोकस करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। नॉर्मली और सब कोचिंग में या फिर और सब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, करंट अफेयर्स भी, जीके भी, सब कुछ। तो इससे क्या होता है, एक तो उसकी तैयारी बहुत लंबी होती है और परफेक्ट तैयारी हो नहीं पाती है, उसको पता नहीं चल पाता कितना पढ़े, कितना बचा हुआ है। लेकिन मेरा एक तरीका है कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए, कोई भी एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस पे आप सबसे पहले फोकस करिए। तो मैथमेटिक्स में टोटल 31 यानी कि 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर है। इसको करने के लिए हम आपको मास्टर नोट्स के साथ में वीडियो कोचिंग का एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, और एप्लीकेशन में आपको पूरा मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा A to Z। उसका फिर आपको रीजनिंग का वीडियो मिलेगा A to Z। उसका फिर आपको साइंस का वीडियो मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसका फिर आपको करंट अफेयर्स, GK, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड टेस्ट, साइको टेस्ट, सबका आपको वीडियो भी मिलेगा और सबका आपको मास्टर नोट्स भी मिलेगा। लेकिन आपको सब तो मिल जाएगी एक साथ में, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है किसी एक को, यानी कि पहले मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है। मैथ जब ख़त्म हो जाएगी तब आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको साइंस पढ़ना है। अब देखिए, जब मैथ पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि मैथ को बिल्कुल साइड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरह से आप मैथ पढ़े थे चैप्टर वाइज, उसी तरह से आप डेली चैप्टर वाइज मैथ का रिवाइज भी करेंगे, आगे रीजनिंग पढ़ेंगे, मतलब रीजनिंग का मतलब फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ेंगे। जब मैथ रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों का रिवाइज करेंगे और साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको ख़त्म करने के बाद जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे और आगे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब आप अपने मतलब क्षमता के अनुसार, अगर आपके पास, अगर आप अभी आप ITI कर रहे हैं, आपका ITI रनिंग है, आपका एक साल ITI का बचा हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि हमारा ये जो कोर्स है एक साल लेके चलेंगे, तो डेली का एक चैप्टर पढ़िए। अगर आपको एक कोर्स को 6 महीने में ख़त्म करना है तो आप डेली का 2 चैप्टर पढ़िए, और पीछे जो पढ़ चुका है उसका बस रिवाइज करें। रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि रिवाइज कैसे करते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर में एक पूरा चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, उसके बारे में वीडियो बना देंगे अगला, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले आपको मास्टर नोट्स मिल चुकी है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग मिल चुकी है एप्लीकेशन के रूप में, बस आप मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और मैथमेटिक्स को ऐसा नहीं कि कहीं से भी पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखिए कि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, और सभी किताब को आप मिलाकर देखिए तो चैप्टर नंबर 1 में किसी में आपको संख्या पद्धति मिलेगा, किसी में आपको काम समय मिलेगा, किसी में आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, किसी में मतलब कुछ भी कहीं से भी मतलब कि उसमें दिया हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि यार इसमें ऐसे दिया हुआ है जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। हम 2009 से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो से मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चीज़ समझ में आती है, कहाँ पर उसको दिक्कत होती है। तो मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे ये पता चली मार्केट की किताब से, चाहे जो भी किताब हो, कि चैप्टर का जो है ना सिक्वेंस, मतलब कि 0 1 0 के बाद 1 होना चाहिए, 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चैप्टर का भी बिल्कुल एस्केंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। वहाँ पे क्या, जो चैप्टर 1 में होना चाहिए वो चैप्टर 10 में है, जो चैप्टर 10 में होना चाहिए वो चैप्टर 5 में है, जो बिल्कुल लास्ट में पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को वो स्टार्टिंग में ही दे दिया है। तो इससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो सीख ही नहीं पाता मैथमेटिक्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपने मास्टर नोट्स में मैंने चैप्टर को सजाया, कुछ इस तरह सजाया कि जैसे कि मैथ में एक, जैसे मैथमेटिक्स 3 चीज़ चलती है, मतलब उसको लैंग्वेज, कैलकुलेशन और मैथ का लैंग्वेज, कैलकुलेशन और मैथ का इंट्रोडक्शन, बस यही 3 चीज़ हम सभी चैप्टर के लिए पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ जैसे कि मैथ का, जैसे कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, जैसे काम समय, काम समय चैप्टर का अगला यूज कहाँ पे होगा, अगला यूज काम समय चैप्टर का होगा पाइप एंड टैंक में। जैसे कि देखिए, तो मैंने इसका ग्रुप बना दिया, परसेंटेज ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, उसके बाद फिर देखिए वर्किंग ग्रुप, इसके बाद फिर मैंने बनाया
मतलब कि स्पीड ग्रुप में मैंने 5 चैप्टर को डाला। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल 0 1 2 3 4 कर किया। तो हमारे मास्टर नोट्स में आपको मिलेगा, चैप्टर वन में आपको मिलेगा परसेंट चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर 4 घंटे का आपको वीडियो मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के वीडियो में आप पूरा परसेंटेज चैप्टर को बना सकते हैं। इसको इसको सीखने के बाद आप दुनिया का कोई भी परसेंटेज चैप्टर का सवाल आप बना सकते हैं। और इसके बाद देखिए, परसेंटेज ग्रुप में आपको 6 चैप्टर मिलेगा, परसेंटेज चैप्टर 4 घंटे का क्लास है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे क्लास। आप सोच सकते हैं 4 घंटे क्लास में पूरा परसेंटेज ख़त्म किया मैंने, और हर एक तरह के टाइप के क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर बताया है। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल सिंपल से सिंपल करके बताया, एक 0 लेवल स्टूडेंट भी आसानी से वहाँ पर जाकर के सीख सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से सीख सकता है बिल्कुल 0 से। स्टूडेंट का यही सवाल होता है, मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, हम बिल्कुल 0 है, हम कैसे करेंगे। तो आप हमारा मास्टर नोट्स लीजिए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग लीजिए और बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करिए, क्योंकि हमारे पास कम से कम अभी तक लगभग में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट को पढ़ाने का, मतलब बिल्कुल 0 लेवल स्टूडेंट को पढ़ा करके उसको नौकरी दिलाने का। तो इस तरह से हमने अपने कोर्स को डिज़ाइन किया कि 0 लेवल स्टूडेंट भी आसानी से सीख सके, उसको कहीं पे कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे पता है हर तरह के सैकड़ों टाइप के स्टूडेंट का सैकड़ों टाइप का सवाल होता है, कन्फ्यूजन होता है, और सभी कन्फ्यूजन को, सभी सवाल को मैंने वीडियो के अंदर में क्लियर किया हूँ। यहाँ तक कि मतलब बट्टा वाला गुना भाग कैसे करना, वो सब भी मैंने वीडियो में एक ना एक बार जरूर मैंने बताया हर एक चीज़ को। इसलिए मैं बिल्कुल 0 लेवल पे मैंने परसेंटेज चैप्टर को रखा है। 4 घंटे का परसेंटेज क्लास करने के बाद आपको अपने आप में ये फील होगा कि हम 50% से ज़्यादा मैथमेटिक्स को तो हम बस एक ही चैप्टर में सीख गए। और बस जिस तरह से आपने परसेंटेज सीखा, बिल्कुल सेम यही तरीका आपको और सब चैप्टर में लगाना। जैसे परसेंटेज बाद आपको मिल जाएगा लॉस एंड प्रॉफिट, जबकि आप दूसरे किताब में देखेंगे तो आपको लॉस एंड प्रॉफिट या तो आपको 20वां चैप्टर मिलेगा या तो आपको 14वां या 15वां इस तरह से मिलेगा। परसेंटेज कहीं है, लॉस एंड प्रॉफिट कहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट के बाद आपको मिलेगा डिस्काउंट चैप्टर, जो कि लॉस एंड, अब देखिए जैसे कि परसेंटेज पढ़ लिए, परसेंटेज में जितना चीज़ पढ़े उसका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के हम लॉस एंड प्रॉफिट को ख़त्म किए। अब देखिए परसेंटेज और लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को मिला करके अगला चैप्टर बनता है, वो बनता है डिस्काउंट चैप्टर। अब ये तीनों चैप्टर को मिला करके अगला चैप्टर बनता है पार्टनरशिप। अब देखिए कि पार्टनरशिप आप शुरू में पढ़ लेंगे, मतलब कि शुरू में ही किसी किताब में दिया रहेगा पार्टनरशिप, उसके बाद का चैप्टर होगा लॉस एंड प्रॉफिट, तो आपको हम बोले कि किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप नहीं सीख पाएंगे मैथमेटिक्स। तो यही सबसे बड़ी खास बात है हमारे नोट्स की, कि मैंने इसको 0 1 2 3 4 करके मैंने सजाया। सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद पार्टनरशिप चैप्टर। जब ये 4 चैप्टर सीख लिए, उसके बाद आपको आएगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन में बस यही सब 4 चीज़ों का यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में। अब हो गया आपके पास 5 चैप्टर, 5 चैप्टर का यूज करके आपको 6ठा चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है हमारा, 30 दिन का मैथमेटिक्स क्लास है। अगर आप डेली का 1 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 30 दिन में ख़त्म होगा, डेली का अगर आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ख़त्म होगा सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में, 15 से भी कम दिन में आपको ख़त्म होगा। तो इस तरह से हमारा कोर्स का डिजाइनिंग है, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। जब परसेंटेज ग्रुप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको आएगा लैंग्वेज ग्रुप। अब देखिए मैंने बताया कि आपको पूरा मैथमेटिक्स को 3 स्टेप में ख़त्म करना है, कोई भी ट्रिक कहीं भी यूज नहीं करना है, एक चैप्टर को एक ही फॉर्मूला से यूज करना है, और एक पूरा ग्रुप को हम एक तरीका से बनाते हैं। नंबर लाइन टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, इक्वेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे कि बस आप किसी भी चैप्टर को बस एक सीधा लाइन खींच करके उसमें आप पॉइंट डाल करके उसका आंसर बिल्कुल मुंहज़बानी बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को, कितना ही बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसको बस एक ही लाइन में आपको लिखना है, और उस लाइन को लिखने के बाद आपको माइंडली सॉल्व कर लेना है। बस एक ही लाइन में क्वेश्चन बनना चाहिए और टाइम के अंदर ही बनना चाहिए, और मुँह जवानी बनना चाहिए 75% से ज़्यादा क्वेश्चन। ये सभी तरीका को मैंने बनाया है और आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने इसको बिल्कुल ऑनलाइन डाला है। आप नोट्स मंगवाइए, वीडियो कोचिंग मंगवाइए, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, और जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे, हम बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं और हर एक तरह के डाउट को क्लियर कर देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट अगर बिल्कुल अपने लाइफ में सीरियस होगा तो उसको 100% नौकरी मिल जाएगी। हमारे मास्टर नोट से 90% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस आपको इसी मास्टर नोट्स को कंप्लीट करना है, और इस मास्टर नोट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट्स के साथ में मिलेगी।
स्मार्ट वीडियो कोचिंग में क्या है कि मास्टर नोट्स में जितनी सारी चीज़ें हैं वही सब चीज़ को हमने स्मार्ट वीडियो कोचिंग में मतलब कि समझाया बिल्कुल वही सब क्वेश्चन को वही सब को, ताकि आप बिल्कुल पहले बेसिक पूरा क्लियर कर ले, आप एक बार हमारे मास्टर नोट्स को पढ़ लें। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि आप मार्केट की किताब को नहीं पढ़िए, आप पहले हमारे मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए, या फिर आप पहले पूरा मार्केट में जितने भी किताब मिलते हैं उसको खरीद लीजिए, सब्जेक्ट को आप उसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो उसके बाद फिर आप मास्टर नोट्स लीजिए, मास्टर नोट्स को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपको मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उसका 90% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और जो चीज़ क्लियर नहीं होगी आप खुद से बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, आप मास्टर नोट्स को एक सब्जेक्ट वाइज क्लियर मतलब फोकस करके पढ़िए, आपका तैयारी बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभी मैंने आपको जितना चीज़ बताया 10 मिनट के अंदर में, यही सब चीज़ मैंने और भी पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है चैप्टर 1 परसेंटेज में, उसका फिर इसके बाद जो भी आएगा उसमें मैंने बताया बिल्कुल एक एक चीज़ को, मैंने एक एक डाउट को मैंने क्लियर किया वहाँ पे। अब आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम रही है और आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हम मतलब मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं पूरा मैथ सिखाने का 1 महीने का, आप इसको 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, कम से कम 7 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब 7 से कम में ही घटे क्योंकि आपको 24 घंटा तो नहीं पढ़ सकते, 10 से 12 घंटा आप पढ़ेंगे तो आपका जो 7 से 10 दिन के अंदर ख़त्म होगा। डेली का अगर आप 3 घंटा हमको समय देंगे तो आपका 1 महीने पूरा मैथ खत्म होगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक पूरा मैथ ही पढ़ना है और कुछ नहीं। किसी किसी कोचिंग में मैं ये देखता हूँ कि 1 महीना पूरा एक ही चैप्टर चलते रहता है, हज़ारों तरह के ट्रिक लिखाते हैं, ट्रिक जब आप मतलब जिस समय पढ़िएगा जिस समय रिवाइज करिएगा उस समय तक तो बहुत सही लगेगा, चलो यार आराम से 2+5 7 लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन जब आप 1 या 2 महीना बीतेगा तो आप ट्रिक को भूल जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्टूडेंट को धीरे धीरे मैथ भारी लगता है। लेकिन हम आपको क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आपको मैथ का लैंग्वेज सिखाते हैं, आपको मैथ का इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल एक लाइन एक नंबर लाइन एक लाइन खींचकर कैसे बना सकते हैं ये आपको सिखाते हैं। हम आपको ये सिखाते हैं कि आप कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो उसको घबराए बिना टाइम के अंदर कैसे बना सकते हैं, किसी भी चैप्टर को इजी वे में बना सकते हैं, वो चीज़ आपको सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि बिल्कुल जीरो आपकी तैयारी है उसके बाद फिर भी आप सीख सकते हैं सब कुछ, वो चीज़ आपको हम सिखाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्टेंट हम आपको देते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी लाइफ का, किसी भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। आप हमारा बस मास्टर नोट्स लीजिए, वीडियो कोचिंग लीजिए, मास्टर नोट्स में से 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच होती है। इसको मंगवाने का तरीका है कि आप अपना फुल एड्रेस हमें व्हाट्सएप भेजिए, उसका फिर आपको हम मास्टर नोट्स आपके घर पे भेज देंगे, जिस दिन आपको मास्टर नोट्स मिल जाएगी, जो आदमी आपके घर पे मास्टर नोट्स देने जाएगा तो उसी को आप पेमेंट कर दीजिएगा और आपको मास्टर नोट्स मिल जाएगी। फिर आप मास्टर नोट्स का एक फ़ोटो खिंचवा करके हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आपको मास्टर नोट्स मिल चुकी है, आपको वीडियो कोचिंग की ज़रूरत है। तो उसी दिन आपको रात में 9 बजे वीडियो कोचिंग का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जैसे आप ड्रीम 11 को डाउनलोड किए थे उसी तरह से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपको सारा वीडियो आ जाएगा। अब पूरा वीडियो आएगा, आप सभी वीडियो खोल के नहीं देखिएगा, आप पहले सबसे पहले मैथमेटिक्स का शुरू करिएगा परसेंटेज चैप्टर से, दूसरा चैप्टर नहीं परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर 2 एपिसोड में होगा, उसका फिर 2 एपिसोड में आपका लॉस एंड प्रॉफिट होगा, उसका फिर 1 एपिसोड में आपका डिस्काउंट होगा, उसका फिर 1 एपिसोड में आपका पार्टनरशिप होगा, उसका 2 एपिसोड में आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका 2 एपिसोड में होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। परसेंटेज चैप्टर ग्रुप को ख़त्म कर लीजिए, 70% आपका पूरा मैथ आप सीख गए सिर्फ 6 चैप्टर कंप्लीट करने में। इसका फिर और भी ग्रुप होगा, सभी का वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, आप इस तरह तैयारी करिए आपका 100% मतलब तैयारी हो जाएगा। जब आपका 100% तैयारी हो जाएगा तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा, रिजल्ट तो बिल्कुल होगा, लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ाई करिएगा तो आप रिजल्ट को लेकर के नहीं, आप नौकरी को लेकर के नहीं, आप ये सोच के पढ़िए कि हमको मैथ सीखना है, हमको नौकरी के लिए मैथ नहीं सीखना, हमको बस मैथ सीखना है। एक बार मैथ सीख गए तो कोई भी नौकरी में बस वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं, 100 के बिल्कुल करीब जा करके बोलते हैं कि आपका नौकरी लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा।